हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ नया ब्लॉग लेके। आज का डेट 10 तारीख है और आज संडे है, और आज संडे के साथ साथ आज ईद भी हम लोग का, बकरा ईद है। और अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, मतलब ये जानी माज है। हम लोग पहले इसको बिछाते हैं नीचे, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं इसके ऊपर। अभी मेरे को जाने का मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, और अभी कुछ टाइम हो रहा है। मैं ऐसा मूड रहा हूँ ना, पूरा पीछे लाइट आ रहा है, तो अभी ऐसा बात करते हैं। तो अभी मेरे को जाने का नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी मेरे को हो रहा है कुछ 7:30 बज रहा है सुबह के, और मेरे को अभी 7 बजे की एक जमात थी जो कि 7 बजे में पढ़ने कर रहे थे, और एक 8 बजे की एक जमात है। 7 बजे तो मैं उठ नहीं पाया था क्योंकि मैं सोया ही 3 बजे था, तो अभी मैं उठ नहीं पाया 7 बजे। तो अभी मेरे को जाने का है 8 बजे की जमात में। अभी कुछ हो रहा है 7:30, तो अभी जाएंगे 8 बजे की जमात में, और जो कि मस्जिद में है, और मस्जिद में जाके पढ़ेंगे नमाज़। और शायद से बहुत भीड़ हो जाएगी क्योंकि 2 नंबर की जो मस्जिद है ना, बहुत मतलब भीड़ हो जाती है। बड़ी मस्जिद है वो 2 नंबर की, उसकी वजह से भीड़ बहुत होती है। और ऊपर से जो कि दूसरी जमात पढ़ने के लिए ना, और भी बहुत भीड़ होती है। मैं आपको फुल क्लिप दिखाऊँ कितनी भीड़ है वहाँ पर, और साथ ही में बकरे भी कटते, तो शायद से मेरे को आने के लिए टाइम लग जाएगा। क्योंकि जो हम लोग को समझो, अभी ये रोड है ना, यही रोड पे बकरे कटते हो, यही रोड आने जाने का रहता है, तो इसके लिए शायद से मेरे को लेट भी हो जाएगा आने के लिए। तो फिर भी जितना हो सके मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आज ये संडे को ही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बस आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करते जाओ, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं नमाज़ पढ़ के, और डायरेक्ट मैं रोड पर ही बात करूँगा, क्योंकि अभी मैं आया हूँ म्यूनसिपलिटी स्कूल के यहाँ पे हम लोग के विक्रोली में स्कूल है, तो मैं स्कूल के यहाँ पे आया हूँ अभी ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलते डायरेक्ट, ज़्यादा लेट ना हो जाए वरना भीड़ हो जाएगी ना, मेरे को बैठने भी रास्ता नहीं मिलेगा, मेरे को बैठने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो चलते डायरेक्ट और नमाज़ पढ़ के आते। वही देख रहा हूँ ना, मिलेगा फिर जाने का। तो गाइस फाइनली अभी पढ़ के आ गए नमाज, और अभी अपन जाने वाले घर पे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया नमाज पढ़ने, क्योंकि अभी सब बकरे भी कटे थे, उसके वजह से शायद टाइम भी लग गया मेरे को आने के लिए, तो इसलिए मेरे को लेट हो गया। तो इसलिए मैं आपको बस आप लोग इस ब्लॉग को लाइक करते जाओ, और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।